हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि मैम आप ऑप्शन चेन पे वीडियो बनाएं कि ऑप्शन चेन को हम कैसे रीड करें, कैसे उसका यूज करें ट्रेडिंग में। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस पे एक कंप्लीट वीडियो बनाई जाए, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ऑप्शन चेन सही से रीड करने आ गया ना, तो आप बहुत सारी चीज़ों को समझ पाएंगे इन एडवांस। फॉर एग्जाम्पल, आप समझ पाएंगे कि मार्केट में कहाँ कहाँ सपोर्ट हो सकता है, कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस हो सकता है। आप मार्केट की डायरेक्शन को भी प्रिडिक्ट कर पाएंगे। ऑल दो मार्केट की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करने के लिए हमें ऑप्शन चेन के अलावा प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम को भी यूज़ करना होगा। मैं बताऊंगी कैसे यूज़ करना है, लेकिन ऑप्शन चेन का बहुत ही बड़ा रोल होता है मार्केट की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करने में। वहाँ पे हम PCR यूज़ करेंगे, पुट टू कॉल रेशियो। अगर आपने नहीं सुना तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी कुछ भी टेंशन लेने की, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको सारी चीज़ें आती होंगी। हम ये भी पता लगा पाएंगे कि हम ऑपरेटर्स एंड बड़े प्लेयर्स की पोजिशन को कैसे फाइंड आउट करें अगर हमें ऑप्शन चेन रीड करनी आती है। तो आज की लर्निंग्स क्या क्या होने वाली हैं बेसिकली? तो आज की लर्निंग्स होने वाली हैं कि हम ऑप्शन चेन रीड करेंगे, और रीड करके हम क्या क्या पता लगाएंगे। तो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ हो सकता है मार्केट में। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो, अगर आप इस वीडियो को बिल्कुल बिना स्किप किए कंप्लीट देखते हैं और ध्यान से अटेंटिव होकर के आप सुनते हैं, समझते हैं, तो एट द एंड ऑफ द वीडियो आप खुद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट का फाइंड आउट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन चेन। आपको किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मार्केट की डायरेक्शन को भी प्रेडिक्ट कर पाएंगे। तो हमारी लर्निंग्स आज की, ये दूसरी लर्निंग क्या होगी कि हम मार्केट की डायरेक्शन को कैसे प्रेडिक्ट करें। तीसरी लर्निंग क्या होगी कि हम ऑपरेटर्स एंड बड़े प्लेयर्स की पोजीशन को कैसे फाइंड आउट करें। एंड पर्सनली मुझे लगता है कि अगर आप ये चीज़ कर पा रहे हैं ना, आप ऑपरेटर्स एंड बड़े प्लेयर्स, बेसिकली स्मार्ट मनी कहाँ मूव कर रही है, इस चीज़ को अगर आप समझ पा रहे हैं, तो फिर आपको मार्केट में पैसे बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये हमारी आज की लर्निंग्स होने वाली हैं, और अगर हम ये सीख लेते हैं तो फिर हम उसके बेसिस पे ट्रेड्स ले करके ट्रेड्स की प्रॉफिटेबिलिटी को इन्हांस कर सकते होंगे। हाई चांसेस होंगे कि हम अच्छे खासे प्रॉफिट बनाएंगे। तो देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होने वाले हैं। टर्म्स क्या होंगे? ओपन इंटरेस्ट, पुट टू कॉल रेशियो, मैक्स पेन स्ट्राइक। अगर आपने ये पुट टू कॉल रेशियो, मैक्स पेन नहीं सुना, ओपन इंटरेस्ट तो आपने सुना ही होगा। अगर नहीं पता क्या होता है तो मैं यहाँ पे हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगी, हर चीज़ को मैं बिल्कुल सिंपल टर्म्स में समझाऊंगी, तो वो कोई ज़रूरत नहीं है कहीं से भी टेंशन लेने की। पुट टू कॉल रेशियो को भी मैं एक्सप्लेन करूँगी। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि पुट टू कॉल रेशियो ऑलरेडी आपको कैलकुलेटेड मिलती है, जिससे कि मार्केट में हमें बुलिश रहना है, बेरिश रहना है, वो हमें पता चलता है। अगर PCR ग्रेटर देन वन होती है, P/R, पुट टू कॉल रेशियो ग्रेटर देन वन होता है, तो जनरल होता है कि हम बुलिश होते हैं। अगर लेस देन वन होता है तो हम बेरिश होते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ये चीज़। मैक्स पेन स्ट्राइक, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगी क्या होता है। तो ये टर्म्स है जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। तो अगर अभी आपको कुछ भी नहीं आता, फिर भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, तो आपको फिर इसके अलावा ऑप्शन चेन पे कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये सारी चीज़ें आती होंगी। आपको बस इतना करना है कि आपको वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनना है, और अगर वीडियो पसंद आती है तो आपको एक लाइक करना है, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं और आपके लिए मैं अच्छे अच्छे कंटेंट लाती रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने के लिए मैं आपको ले चलती हूं ऑप्शन चेन पे। तो ये मैंने ओपन कर लिया ऑप्शन चेन। देखिए, ऑप्शन चेन में, ये ऑप्शन चेन हो गया। ऑप्शन चेन में कुछ इंपॉर्टेंट कॉलम्स हैं जो कि हमें यहाँ पे देखने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा। तो उसमें क्या है, ये ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो हमारे लिए जो दो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, वो ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। वॉल्यूम जो है, तो वॉल्यूम क्या है कि ओपन इंटरेस्ट घटे या बढ़े, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो वॉल्यूम से आपको वो क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो हम वॉल्यूम के, हमारी जो आज की लर्निंग्स होने वाली है ना,
हमारी लर्निंग्स क्या क्या होने वाली है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हम मार्केट में कैसे फाइंड आउट करें, हम मार्केट की डायरेक्शन को कैसे प्रोडिक्ट करें, हम ऑपरेटर्स बड़े प्लेयर्स की पोजीशन को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो इन लर्निंग्स के लिए हम वॉल्यूम को हम यूज़ नहीं करें तो भी चलेगा। आईवी क्या है? इम्प्लाइड वोलाटिलिटी। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट वेपन है जिसका यूज़ ऑप्शन बाइंग के वक्त किया जाता है। अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो अगर हम इम्प्लाइड वोलाटिलिटी वेपन को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम बहुत ही बड़ा रिस्क ले रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इम्प्लाइड वोलाटिलिटी का। इसका चार्ट हमें देखना होता है यहाँ पे, लेकिन जो हमारी लर्निंग्स होने वाली है उसमें इसका कोई रोल नहीं है तो हम इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम्स होने वाले हैं वो है ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। बाकी ये बिड क्वांटिटी, बिड प्राइस, आस्क प्राइस, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमें समझने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें अपने आप वो समझ आ जाएगा। यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है तो ये मिडिल में स्ट्राइक प्राइसेस दी हुई हैं, और यहाँ ये इधर कॉल साइड है, मतलब इधर कॉल साइड के ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है और इधर पुट साइड के हैं। और वेट अ मिनट, हाँ, और देखिए ये जो येलोइश एरिया आपको दिख रहा होगा, ये येलोइश एरिया जो है वो है इन द मनी। ये इधर कॉल साइड है और ये इधर पुट साइड है, तो ये येलोइश एरिया इन द मनी है और ये जो वाइटिश एरिया है ये आउट ऑफ द मनी है, ये स्ट्राइक प्राइसेस दिए हुए हैं। तो हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉलम्स हैं वो कौन से हैं? तो वो है ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, मतलब एक बायर भी है और एक सेलर भी है हर कॉन्ट्रैक्ट में। फिर हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि जो ये, जैसे देखें यहाँ पे हम देखें, ये इधर देखते हैं हम किधर साइड में किधर किस किस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे देखें ये 1,20,000 अराउंड का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, ठीक है। ये कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे? 18,000। फिर यहाँ पे 1,07,000 का दिख रहा है ओपन इंटरेस्ट, ये 17,800 पे। फिर यहाँ पे ये 83,000 पे दिख रहा है, ये 17,600 पे। फिर एक यहाँ पे भी 60,000 पे दिख रहा है, ये 17,500 पे। तो देखिए हम क्या मानते हैं कि ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये इतनी, ये राइटिंग हुई है, इतने लॉट्स की राइटिंग हुई है, तो ये कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट है तो इतनी कॉल राइटिंग हुई है, ये हम मान के चलते हैं। क्यों मानते हैं? लॉजिक मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। जैसे देखिए हर कॉन्ट्रैक्ट में ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ओपन इंटरेस्ट जो इतना है जो ओपन है, तो इसमें एक बायर भी है, इतनी अगर राइटिंग हुई है, सेलिंग हुई है मतलब, तो इतनी बाइंग भी तो हुई है ना, क्योंकि सेलर बिना बायर्स के तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो हम फिर क्यों बोलते हैं कि इतनी राइटिंग हुई है? तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो सेलर्स हैं ना वो मोस्ट ऑफ द टाइम उनके व्यूज़ करेक्ट होते हैं, 80-90% ऑफ द टाइम्स उनके व्यूज़ करेक्ट होते हैं, मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता। तो 80-90% ऑफ द टाइम्स सेलर्स जीतते हैं, वो जीतते हैं, और जो बायर्स हैं वो हारते हैं, वो 10-20% ऑफ द टाइम्स ही जीतते हैं, बाकी टाइम्स वो हारते हैं। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो सेलर्स हैं उनके व्यू करेक्ट होंगे। क्या है कि जो सेलर्स हैं वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े प्लेयर्स, ये बड़े लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसे होते हैं। तो आपको लगता है कि वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि वो अपने पैसे खोए? नहीं, ऐसा नहीं होता। जो बायर्स होते हैं वो रिटेलर्स होते हैं, वो छोटे रिटेलर्स होते हैं, और बाइंग में जो रिस्क होती है ना वो रिस्क बहुत ही कम होती है। हम जितना कैपिटल यूज़ कर रहे हैं ना, हम 5,000 में भी बाय कर सकते हैं, 10,000 में भी बाय कर सकते हैं, एक लॉट 25, मतलब एक लॉट में 25 ही होता है, 25 क्वांटिटी होती है, तो बाइंग कम में कर सकते हैं, और जितना पैसा हमने लगाया है हम उतना ही गंवा सकते हैं, जबकि सेलिंग में हमें ह्यूज मार्जिन देना पड़ता है और हमने जितना लगाया है उससे भी ज़्यादा हम लॉसेज हमें हो सकते हैं, इसमें अनलिमिटेड लॉस होती है। तो जो ये सेलर्स होते हैं ना, ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये बड़े लोग होते हैं, तो और इनके जो व्यूज़ हैं ना वो हिस्टोरिकली ऐसा होता आया है और होता रहेगा, इनके व्यूज़ करेक्ट होते हैं। तो इसीलिए देखिए ये जो इतने इतने लॉट्स की जो ये यहाँ पे सेलिंग हो रखी है, पोजीशन अभी ये ओपन है, तो इसमें सेलर्स भी हैं। सेलर्स कौन हैं? इंस्टीट्यूशंस, बड़े प्लेयर्स,
और बायर्स भी हैं, तो जिन्होंने सेल किया हुआ है वो क्या मान रहे हैं कि मार्केट 18,000 से के नीचे ही रहने वाला है एक्सपायरी तक। वेट अ मिनट, हाँ वो क्या मान रहे हैं कि मार्केट 18,000 से नीचे ही रहना है एक्सपायरी तक, सेलर्स मान रहे हैं, और बायर्स क्या मान रहे हैं कि मार्केट 18,000 से ऊपर जा सकता है। और हमें क्या पता है, एक चीज़ आपको ये बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेना है कि हमें क्या पता है कि सेलर्स करेक्ट होने हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, एक्सपायरी तक जाते जाते ऐसा होगा, हाई चांसेस होंगे 80-90%। तो इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि सेलर्स का व्यू चूंकि करेक्ट होने वाला है, मतलब कि ये इतनी राइटिंग हो रखी है, हमें उसके अकॉर्डिंग अपना व्यू बनाना होगा, तो इसलिए हम इसको राइटिंग लेते हैं कि इतनी राइटिंग हुई है। तो आई होप कि मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है। आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कॉमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। तो इसीलिए ये जो यहाँ पे इतना ये जो है ना 18,000 का स्ट्राइक प्राइस, ये एक रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे इतने लॉट्स की राइटिंग हो रखी है, इतने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इतना ओपन इंटरेस्ट है, मतलब राइटिंग हो रखी है इतनी। फिर एक दूसरा ये बड़ा अमाउंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस करेगा 17,800। तो आप जो देखते हैं ना कि कुछ लोग मार्केट में निकाल पाते हैं कि रेजिस्टेंस कहाँ हो सकता है, सपोर्ट कहाँ हो सकता है, तो आप खुद भी निकाल पाएंगे। आप देख रहे हैं ना, मैं आपके सामने निकाल रही हूँ। फिर यहाँ पे 83,000 है ओपन इंटरेस्ट, तो यहाँ पे भी एक ये कौन सी स्ट्राइक, 17,600, अभी मार्केट की क्लोजिंग है अराउंड 17,550, तो यहाँ पे भी मार्केट एक छोटा सा रेजिस्टेंस ये फेस कर सकता है। ओपन इंटरेस्ट जो है वो बड़ा होना चाहिए अमाउंट, तो जैसे ही जितना बड़ा होगा उतना ही लेवल ऑफ रेजिस्टेंस हाई होगा, तो एक छोटा रेजिस्टेंस यहाँ भी फेस कर सकता है। और तो ऐसा भी होता है कि यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉल सेलिंग हो रखी है, राइटिंग हो रखी है, लेकिन कल को ऐसा हो सकता है कि हमें प्राइस एक्शन भी देखना होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट इसको इस पे यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करे, लेकिन हो सकता है वॉल्यूम कुछ अच्छा खासा आ जाए, मार्केट में होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो ये इसको अगर क्रॉस करने पे आ जाए तो फिर ये पोजीशंस ये क्लोज भी कर ली जाती हैं, तो वो आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से पता चलेगा। यहाँ पे आपको ये चेंज माइनस में दिखेगा, तो सेलर्स क्या करेंगे, उनको दिख रहा है कि ये रेजिस्टेंस टूटने जैसा हो गया या टूट गया है, तो फटाफट अपने पोजीशंस को क्लोज कर लेंगे। तो फिर वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग भी होती है, वो अपने शॉर्ट्स मतलब उन्होंने जो सेल कर रखा है शॉर्ट्स कर रखे हैं उसको कवर करते हैं, तो उसकी वजह से भी मार्केट ना 50-100 पॉइंट्स का और अपवर्ड मूव शो कर देता है। तो शॉर्ट कवरिंग के आपको दिखता होगा कि कई शॉर्ट कवरिंग होती है, तो वहां पे मार्केट शॉर्ट कवरिंग की वजह से ऊपर अपसाइड एक मूव देता है। एक तो मार्केट पहले से मूव दे रहा है अपसाइड मूव दे रहा है, अपवर्ड मोमेंटम है, और उसके बाद से सेलर्स को लग रहा है कि जहां पे उन्होंने सेल कर रखा है जिस स्ट्राइक प्राइस पे, अगर वो रेजिस्टेंस वीक पड़ रहा है, वीक है वो प्राइस एक्शन से पता चलेगा, वॉल्यूम से पता चलेगा, अगर वीक पड़ रहा है तो वो क्या करेंगे, वो लॉसेस थोड़ी ना लेंगे, तो वो अपनी पोजीशन को फिर क्लोज करेंगे, और क्लोज करेंगे तो फिर मार्केट और ऊपर जाएगा। तो मैं आपको किसी और वीडियो में शॉर्ट कवरिंग क्या होती है, लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या होती है, ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कैसे वर्क करता है। अभी बस हमें इतना ये समझने की जरूरत है कि ये जो है ये रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर सकते हैं, ये जो लेवल से ये जो स्ट्राइक प्राइसेस हैं, तो आप खुद भी देख सकते होंगे जहां पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होगा। सिमिलरली द सेम अप्लाइज टू पुट साइड, यहां पे देखिए, यहां पे इस पे 17,050 पे यहां पे 678,000 है ओपन इंटरेस्ट, यहां पे 60,000 है, यहां पे 44,000 है। तो ये जो लेवल्स है ना, ये जैसे एक छोटा सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये टूट सकता है इजीली क्योंकि यहाँ पे कम है ओपन इंटरेस्ट, तो हमें कंपैरेटिवली क्वांटिटी देखनी होती है कि कितनी ह्यूज क्वांटिटी है, प्रीवियस डे से भी कंपेयर करना होता है या फिर मीडियम टर्म में कंपेयर करना होता है। तो वो आप देखने लगेंगे ना जब ऑप्शन चेंज, तो आपको एक आइडिया लगने लगेगा कि कितना कितने क्वांटिटी पे कैसे ये कितना बड़ा वो सपोर्ट बन रहा है, कितना बड़ा रेजिस्टेंस बन रहा है। तो ये जो है यहाँ पे जिस साइड में जिस स्ट्राइक प्राइस में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होगा वो सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेंगे द पुट साइड में। तो आपने क्या सीख लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना आपने सीख लिया। अब देखिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या है, मतलब कल के मुकाबले आज कितना चेंज हुआ है। तो अगर ये पॉजिटिव में है, देखिए जैसे यहाँ पे आपको जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इधर पुट साइड में ये आपको नेगेटिव दिख रही है, ठीक है, मतलब यहाँ पे
पोजीशंस को क्लोज किया गया है। जो पुट राइटिंग हुई थी ना इस स्ट्राइक प्राइस पे कल के डेट में 17,450 में, तो उसमें उन सेलर्स ने कुछ इतने पोजीशंस को क्लोज कर लिया है, इतने पोजीशन को, मतलब कि उनको लगा होगा कि मार्केट यहाँ से मार्केट, मतलब वो बुलिश होंगे तो यहाँ पे उन्होंने, सॉरी वो बेरिश होंगे तो यहाँ पे उन्होंने पोजीशन को क्लोज कर लिया है। ठीक है, तो अगर नेगेटिव चेंज हो रहा है, वेट अ मिनट, हाँ तो देखिए अगर नेगेटिव चेंज हो रहा है मतलब कि यहाँ पे, मतलब कि कल के मुकाबले जो ओपन इंटरेस्ट है वो कम हुई है, मतलब पोजीशंस क्लोज हुए हैं, और अगर पॉजिटिव चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है 41,000 का यहाँ पे पॉजिटिव चेंज है, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो इस स्ट्राइक प्राइस पे 17,500 पे इतनी और इतने कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब ये जो है वो और ऐड हुए हैं, तो 17,500 पे इतनी कॉल राइटिंग हुई है, तो मतलब यहाँ से आपको एक व्यू भी आपको डेवलप करने में हेल्प मिलेगा कि यहाँ से वो बेरिश है, मतलब ये एक 17,500 हो सकता है कि यहाँ पे वो वहाँ से थोड़ा बेरिश होंगे, तो हो सकता है यहाँ पे ये बाद में ये रेजिस्टेंस भी बन सकता होगा डिपेंडिंग अपॉन कि यहाँ पे कितना ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बिल्ड हो रहा है। मतलब एक शॉर्ट टर्म व्यू जो है वो आप डेवलप कर पाएंगे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से। आपको इंट्रा डे में ट्रैक करना होगा एवरी हाफ एन आवर। मैं आपको एक एग्जाम्पल्स के थ्रू दिखाती हूँ कि कैसे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से आप क्या फाइंड आउट कर पाएंगे। ये एग्जाम्पल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे आपको चार्ट पे लेकर के आ गई, वेट अ मिनट, हम देखिए यहाँ पे आ गए चार्ट में, ये टेंथ ऑफ अगस्त, मैंने क्या बताया आपको कि टेंथ ऑफ अगस्त को, अभी टेंथ ऑफ अगस्त 2021 मार्केट में एक अनप्रिडिक्टेड फॉल आया था और उस फॉल को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाया था, इस वजह से बहुत सारे ट्रेडर्स को ह्यूज लॉस हुआ था क्योंकि वो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेड था। कैसे, अगर आप केवल चार्ट से प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते तो आप नहीं कर पाते, लेकिन अगर आपने इस दिन का ऑप्शन चेन डेटा देखा होता तो आप इस फॉल को प्रिडिक्ट कर पाते। ये देखिए यहाँ पे ये जो ये फॉल जो है, ये फॉल आपको दिख रहा होगा, ये जो फॉल है, ये मार्केट कहाँ था, मार्केट था यहाँ इस लेवल पे 16,350-16,360 और मार्केट गिर के आ गया 16,200 पे, मतलब ये 160 पॉइंट्स का जो फॉल है ये विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, विद इन 20 मिनट्स हुआ था। तो ये फॉल यहाँ से, ये इतना प्रिडिक्टेड नहीं था, लेकिन अगर आपने इस दिन का ऑप्शन चेन देखा होता ना तो आप इसको प्रिडिक्ट कर पाते। कैसे, मैं आपको स्क्रीन शॉट के थ्रू दिखाती हूँ। ये देखें मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा था, मार्केट था ये यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे टाइम कितना हो रहा है 9:15, ठीक है, मार्केट यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम शो कर रहा था, फिर यहाँ से एक नैरो रेंज बनी, ये आपको एक नैरो रेंज बनती हुई दिख रही होगी यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे छोटा सा ब्रेकआउट आया, ठीक है, फिर यहाँ पे फिर नीचे है मार्केट, फिर एक थोड़ा सा रेंज में चल रहा है, और ये जो एक ह्यूज फॉल आया विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, ये बिल्कुल प्रिडिक्टेड नहीं था। तो ये मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा था, अराउंड 360-370 ऐसे मार्केट ट्रेड कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन द मनी में यहाँ पे देखें, वेट अ मिनट, हाँ इन द मनी में पुट राइटिंग हो रही है, यहाँ पे इसको देखें, ये है 16,200, मतलब मार्केट कहाँ था 16,350-16,360 के अराउंड पे, ये कॉल साइड का है स्क्रीनशॉट, तो और इन द मनी जाकर के 16,200 पे यहाँ पे ये पुट राइटिंग हो रही होती। अगर आपने उस दिन का ऑप्शन चेन ट्रैक किया होता ना तो वहां पे आपको दिखता, ये जो क्वांटिटी आपको, ये जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है ना 32,000, ये था 12,000, ये अभी आपको जो 32,000 दिख रहा है ये था 12,000 अराउंड 12:50, और ये विद इन 25 मिनट्स ये हो गया 32,000, मतलब 20,000 जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो यहाँ पे सेल किए गए, और विद इन हाफ एन आवर,
तो यहाँ से अगर आप इसको ट्रैक करते हैं तो मतलब मार्केट ट्रेड अगर कर रहा है 16350, 16360 और ये कोई इन द मनी जा करके सेलिंग चल रही है, राइटिंग चल रही है, कॉल राइटिंग, तो आपको वहां से एक व्यू पता चलता कि बड़े प्लेयर्स ऑपरेटर्स का इंटेंशन क्या है। हो सकता है कि कोई ग्रुप ऑफ पीपल हो जो कि जिनको पता हो कि मार्केट जो है वो गिरने वाला है, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ लोग मार्केट को गिराने में लगे हों और कुछ यहाँ पे वो कॉल राइटिंग करके उससे प्रॉफिट बनाएंगे। तो कुछ भी हो सकता है, दे मे बी अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑपरेटर्स बेसिकली, तो आप उनके पोजिशन को समझ पाते। अगर आप देखते ना उस दिन का ऑप्शन चेन तो आप ये प्रिडिक्ट कर पाते कि कुछ तो यहाँ पे है क्योंकि अनयूजुअल हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है नियर बाई स्ट्राइक प्राइसेस पे वो नेगेटिव में है, जबकि यहाँ पे अनयूजुअली बिल्कुल ये स्ट्रेंज वे में इतनी क्वांटिटी से पॉजिटिव। तो ये कुछ यहाँ से अनयूजुअल था, तो यहाँ से क्लियरली पता चल रहा था कि देयर इज समवन हु इज टू बेरिश, उसको पता है कि मार्केट गिरेगा। तो ये एक चीज होती कि आपको कैसे पता चलता कि ये इंट्राडे में ही होने वाला है, तो ये आपको पता चलता क्योंकि जो ऑपरेटर्स है ना उनके कंट्रोल में भी नहीं होता, ग्लोबल सिनेरियो को वो भी कंट्रोल नहीं कर सकते। और नेक्स्ट डे क्या होता है कि फिर ओवरनाइट एक रिस्क हो जाती है, ग्लोबल सिनेरियो, ग्लोबल फैक्टर्स आ जाते हैं तो उनका जिस पे कि ऑपरेटर्स का भी कंट्रोल नहीं होता। तो बेसिकली ऐसी कुछ जो अनयूजुअल चीजें होती है ना वो इंट्राडे में आपको दिखेगा। तो ऐसा कुछ यहां से आप देखते ना तो आप इसको समझ पाते कि हाँ यहां से आपको पता चलता है कि मार्केट गिर सकता है, और ऐसा ही हुआ। देखें क्या हुआ कि यहाँ पे फिर मार्केट इतना गिर के कहाँ पे आया, 16,200 पे, और कहाँ से कॉल सेलिंग कहाँ हुई थी, 16,200 पे बहुत ज़्यादा राइटिंग हुई थी और वो प्रॉफिट बुक करके निकल गया अच्छा खासा। फिर देखिए मार्केट रिकवर भी कर गया ठीक ठाक। तो ये आप समझ पाते ऑपरेटर्स पोजीशन कहाँ बना रहे हैं। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं ना तो आपको एवरी हाफ एन आवर, एवरी 15 मिनट्स आपको ऑप्शन चेन को ट्रैक करना है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को आपको ट्रैक करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमने क्या देख लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने मार्केट की डायरेक्शन को भी हमने देखा कि हम ऑपरेटर्स और बड़े प्लेयर्स की पोजीशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हम मार्केट की डायरेक्शन की बात कर रहे थे, तो मार्केट की डायरेक्शन के लिए हमने देखा पुट टू कॉल रेशियो, जैसे हमने देखा कि कहाँ कहाँ जैसे हम बुलिश होंगे बेरिश होंगे, तो हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से भी देख सकते हैं। एक पुट टू कॉल रेशियो होती है, तो बेसिकली ये जो पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट है, ये आपको दिख रहा होगा, ये पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट और ये कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट, ये कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट। तो हम क्या करते हैं, पी बाई ये बाई कॉल साइड वाला करते हैं, मतलब ये 12 लाख दिख रहा है। तो अगर पी सी आर जो है, पी बाई आर जो रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 आती है तो मतलब कि मार्केट में लोग बुलिश हैं, और अगर लेस देन 1 होती है मतलब बेरिश हैं। ऑल्दो ये अगर 1.3 से 3 तक आ जाती है पी बाई आर, तो हम मानते हैं कि मार्केट ओवरबॉट जोन में चला गया है, तो फिर यहां से वो बेरिश हो सकता है। तो ये है पुट टू कॉल, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो यहाँ पे टोटल ये ओपन इंटरेस्ट है ना पुट साइड का और ये जो कॉल साइड का है, तो हम पी बाई सी अगर करें मतलब पुट टू कॉल रेशियो निकालें पीसीआर, तो हमें क्लियर कट एक आइडिया मिल जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे सारे स्ट्राइक प्राइसेस इंक्लूडेड हैं, ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये सारे स्ट्राइक प्राइसेस का है। तो मैं क्या करती हूँ कि जो एटीएम है अभी मार्केट माने कि 17,500 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो क्या करेंगे कि 17,200 से लेकर के या फिर 17,000 से लेकर के 18,000 तक, 17,000 से लेकर के 18,000 तक के स्ट्राइक प्राइसेस पे जो पुट साइड की ओपन इंटरेस्ट होगी, जो कॉल साइड की ओपन इंटरेस्ट होगी, उसको कैलकुलेट करके और फिर हम पी बाई आर निकालेंगे, तो मुझे लगता है वहां से ज्यादा इफेक्टिव मिलेगा, तो वो वर्क करता है मेरे लिए। तो आप चाहे तो उसको यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मैं इफेक्टिव पी बाई आर पी सी आर रेशियो कैसे निकाले इसको आपको बताऊंगी, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैक्स पेन क्या होता है, एक मैंने आपको बताया था, मैं एक टर्म आपको एक्सप्लेन करूंगी मैक्स पेन। तो जो सेलर्स हैं, क्या होता है कि जैसे कि अब सेलर्स ने पुट भी सेल किया हुआ है, कॉल भी सेल किया हुआ है। अब माने कि मार्केट एक पॉइंट पे एक्सपायरी के दिन उनके दोनों के पुट साइड वाले के भी व्यू, तो उन्होंने क्या सोच के सेल किया है कि उनके व्यू करेक्ट होंगे, लेकिन होगा तो किसी एक का ही ना। अब एक्सपायरी वाले के दिन माने कि 17,500 पे एक्सपायरी हो गई, तो एक साइड के सेलर को थोड़ा नुकसान हो सकता है, तो वो नुकसान कैसे कम हो और दोनों साइड के सेलर्स को एक ठीक ठाक प्रॉफिट हो, तो वो स्ट्राइक प्राइस, एक वो पॉइंट क्या कहलाता है, मैक्स पेन पॉइंट।
वो जो रीजन होता है वो कहलाता है मैक्स पेन पॉइंट। तो वो ये हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जो हमारे आज की लर्निंग्स होनी थी, लेकिन आप ये कहीं पॉइंट देखते होंगे, टर्म ये आप कहीं देखते होंगे, तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो सेलर्स जो हैं पुट साइड के भी कॉल साइड के अग्री करते हैं कि हाँ इस स्ट्राइक प्राइस पे इस रीजन में हमें दोनों साइड के सेलर्स को कम लॉस हो और प्रॉफिट के सिचुएशन में हो, और लॉस हो तो कम हो, तो उस रीजन को, उस स्ट्राइक प्राइस को हम मैक्स पेन पॉइंट कहते हैं, मैक्स पेन स्ट्राइक। तो ये था, तो हमने ये देख लिया कि मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन मार्केट की कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऑपरेटर्स बड़े प्लेयर्स की पोजीशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, और फिर हम इसको यूज करके इंट्राडे ट्रेड कर सकते होंगे। कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग में भी हम चेंज इन ओपन रिस्क इंटरेस्ट का यूज करेंगे, मैंने आपको ये भी बताया। तो बस आज की ये जो लर्निंग्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपको वीडियो समझ नहीं आया होगा तो आप ध्यान से वापस से देखिएगा, तब तक देखिएगा जब तक कि समझ नहीं आ जाए, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हुए हैं। वीडियो लंबी हो गई है आई नो, लेकिन हर चीज़ एक्सप्लेन करना ज़रूरी था ताकि आप समझ पाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।